बीच नैनीताल जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित पाइंस के पास पहाड़ी में भूस्खलन होने से नैनीताल भवाली मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें, शुक्रवार को नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश जारी थी। इसी बीच करीब 1:30 बजे भवाली रोड पर स्थित पाइंस के पास अचानक पहाड़ी में भूस्खलन हो गया, जिससे करीब 50 मीटर तक सड़क धस कर खाई में जा समाई और सड़क में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। गौरतलब हो कि बीते वर्ष अक्टूबर में आई आपदा में नैनीताल भवाली मार्ग में जगह जगह भूस्खलन हो गया था, जिससे कई जगह सड़कें टूटी हुई थी। बहुत जबरदस्त हुआ है, अचानक से पूरी रोड चली गई। ये तो रोड गई, कोई गाड़ी नहीं रही, ठेके नहीं ना दूर। अचानक से आ गई, पूरी रोड भी नहीं बन सकती अभी, ये रोड भी नहीं बन सकती अभी अभी, ये पाइंस के पास है। जबरदस्त, ये तो पता नहीं कब तक ठीक हो। ये तो अंदर फिर भी अंदर को पत्थर भी कितना है और रोड भी कैसे बनेगी यहाँ से। रोड तो बनना बहुत मुश्किल है इसका। ये पैंस के पास पूरा रोड टूट गया, पूरा पहाड़ होने से बच गया काफी। अभी अभी जस्ट दो मिनट, बस सिर्फ दो मिनट। मुझे लगा ऊपर से कोई गाड़ी गिर गई, मैंने भी ये लगाया। पोल तक नीचे आ गया, तो करंट का भी खतरा है। लाइट काट दी होगी और आ सकता है, वैसे अभी खतरा है इसमें। कोई गाड़ी थी तो नहीं ना भाई? नहीं गाड़ी नहीं है, गाड़ी का तो पता, गाड़ी निकल गई यहाँ से, क्या पता कोई ऐसा तो नहीं था। घर को जाना खतरा है, जो निकल गई निकल गई। अभी और वहाँ दरारे हैं, अभी आ सकता है नीचे, अभी आ सकता है, वो भी आ सकता है। पूरी पाइंस के पास रोड पूरी, और गया भी कितने नीचे, कितने पेड़ तो गिर गया, पोल भी नीचे चला गया। ये देखो ये पेड़ कितने, यहाँ तो रिस्क तो है यार, गाड़ी हरी तो निकली यार। यहाँ से तो जा भी नहीं सकता कोई, अभी पैदल भी नहीं जा सकता है। अभी और गिरता है, अभी और गिरेगा, वहाँ से दिख रहा है वो। कोई गाड़ी हाड़ी तो नहीं, गाड़ी हाड़ी हट जाओ यार, हट जाओ। अभी और आएगा मुझे लग रहा है। कोई गाड़ी हाड़ी तो नहीं गिरी, गाड़ी नहीं गिरी है, गाड़ी नहीं गिरी है। किस्मत से यार बच के। ये देखिए ये पूरी चले गई है, यहाँ देखिए ये बहुत डेंजरसली यहाँ से सब निकल गया है। ये देखिए मैं कोशिश करता हूँ एक बार, अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है और ऐसे में अब इसी मार्ग पर एक और भूस्खलन होने से 50 मीटर सड़क खाई में धस गई है। वहीं सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके का जायजा लेने पहुंची है, के साथ ही मौके पर जेसीबी भी पहुंच चुकी है, जो मार्ग से मलबा हटाने का कार्य कर रही है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि नैनीताल भवाली मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूट कर खाई में जा समाया है, जिसको सुचारू करने में कम से कम एक हफ्ते का समय लग सकता है। बताया कि तब तक के लिए भवाली से नैनीताल और नैनीताल से भवाली जाने वाले वाहनों को वाया ज्योलीकोट होते हुए भेजा जा रहा है। ज्योलीकोट के माध्यम से चले गए हैं,